श्री डॉक्टर योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सोमू सिंह दैट ही हैज़ प्रोवाइडेड मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय थॉट्स एंड व्यूज ऑन सम टॉपिक इन दिस प्रेस्टिजियस ग्रुप। थैंक यू सोमू सर। And let us start with the topic because 1 hour is okay. I have to mute my notification. Just a minute, sir. हाँ, अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ। सर, आई एम ट्राइंग टू म्यूट। यस, आई हैव म्यूटेड द नोटिफिकेशन। सर, नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? लेट्स स्टार्ट विद माई लेक्चर। सो अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ अपनी एक गाइडलाइंस बता दूं कि बेसिकली मैं अपने लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूं। तो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एंड द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। एंड देन वी विल कवर various types of research and methods of research in brief just, and after that we will come to experimental research and its characteristics, and then we will cover ex post facto research. Then we will see what are the similarities and differences in experimental research and ex post facto research, and meanwhile after that we will cover some basic things that generally students ignore. So this is the whole guideline that I will follow today. So let's start with the research. So जिन students एम एड करते हैं और एम एड के बाद पी एच डी के लिए जाते हैं, उनके लिए रिसर्च को एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एम एड नहीं करते और मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पी एच डी परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए एक रिसर्च बड़ा एक फोबिया बन जाता है उनको रिसर्च का, कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार कराएं, कहाँ से गाइड्स को अरेंज करें। तो रिसर्च के लिए मैं सिर्फ दो या तीन टिप्स स्टार्टिंग में इतना ही बताना चाहूँगा सभी को कि रिसर्च इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। द ओनली थिंग यू मस्ट बी हैविंग फॉर रिसर्च इज रिसर्च सेंस। बाय रिसर्च सेंस आई मीन जस्ट लाइक कॉमन सेंस ऑफ रिसर्च, मीन्स वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग यू आर रेजिंग क्वेश्चंस फॉर इट। जितने भी चीज़ें मेरे सामने होती हैं और मैं उनको देख कर मेरे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं, सो इट मीन्स आई एम हैविंग माई रिसर्च सेंस। इफ आई थिंक लॉजिकली देन इट ऑल्सो मीन्स दैट आई एम हैविंग रिसर्च सेंस। सो इफ यू आर हैविंग रिसर्च सेंस देन यू शुड गो बाय स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यू मस्ट हैव अ थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ रिसर्च, देन यू शुड ट्राई this to practice this theoretical knowledge into behavioral terms. So let us start with my topic for the today. My topic is experimental research versus ex post facto research. लेकिन experimental research और ex post facto research को बताने से पहले my voice is, I think it's quite slow. So am I audible
और शुड आई स्पीक मोर लाउडली? प्लीज कमेंट. यस. सो अलग अलग बुक्स में, ट्राई करके देखते हैं. सो इन डिफरेंट बुक्स वी आर हैविंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन अबाउट रिसर्च. इन सम बुक्स इन टाइप्स ऑफ रिसर्च यू आर गेटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वान्टिटेटिव रिसर्च. इन सम बुक्स यू गेट इन टाइप्स ऑफ रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च. और तो इन अलग अलग किताबों में अलग अलग क्लासिफिकेशन होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली रिसर्च का टाइप्स हम किसको माने और किस तरीके से इसको एक सीक्वेंस में स्टडी करें. सो जितना मैंने जितनी सारी किताबें पढ़ी हैं उन बुक्स से आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि एक कंक्लूजन मैंने जो निकाला है वो ये है कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च इंक्लूड्स फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च. आई रिपीट, टाइप्स ऑफ रिसर्च इंक्लूड फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च. एंड वैन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स, देन इट इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज विच इज क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च. सो टाइप्स ऑफ रिसर्च को मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि बेसिकली जितनी भी टाइप की रिसर्चेज हैं उनको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च. सो फंडामेंटल रिसर्च इज बेसिकली द बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च इन विच वी ट्राई टू फाइंड आउट सम रूल्स, सम थ्योरीज, सम एक्सियोम्स और वी वॉन्ट टू डेवलप दैट थ्योरी बाय फॉलोइंग अ सेट पैटर्न ऑफ स्टेप्स. देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ स्टेप्स, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप फंडामेंटल रिसर्च के लिए जा रहे हैं. और फंडामेंटल रिसर्च की खास बात कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मीन्स जनरलाइजेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सल होती है. मीन्स अगर एक सिद्धांत न्यूटन का जो नियम बनाया गया, न्यूटन ने जो नियम दिया वो जिस कंट्री में उसने दिया वहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल है और यहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल है. मीन्स फंडामेंटल रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं दे आर इक्वली एप्लीकेबल अराउंड द ग्लोब, हेंस दे आर यूनिवर्सलाइजेशन इन नेचर. देन वी कम्स टू अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च, इन केस ऑफ अप्लाइड रिसर्च वी फॉलो अ सेट पैटर्न जस्ट लाइक फंडामेंटल रिसर्च. यानी कि जो स्टेप्स हम लोग फंडामेंटल रिसर्च में फॉलो करते हैं वही स्टेप्स हम लोग अप्लाइड रिसर्च में भी फॉलो करते हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट कि इन केस ऑफ अप्लाइड रिसर्च वी आर मोर प्रोन टू दैट डिसिप्लिन इन विच वी आर कंडक्टिंग आर रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च कर रहा हूँ, आई वुड मेरी जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होंगी दे आर एप्लीकेबल टू इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. So, I am applying all the steps or principles of fundamental research in a particular discipline. So, it is basically applied research. Then we come to action research. I am explaining these kind of research in a nutshell manner because my topic is not this, not types of research. So, I will come to my topic, but I am making a ground. So, in case of types of research, there are three types of research: fundamental research and applied research and action research. I have explained you what is fundamental research and what is applied research. Let us now study what is action research. Action research is basically deals with immediate problems. Or ek word main aur jodna chahunga, immediate classroom problems. Means while teaching in a class I found certain problem. मेरे को क्लास के कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कुछ उनके बिहेवियर में कुछ डिफरेंस लगा. सो मेरे मन में क्वेश्चंस अराइज हुए एंड आई वांट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड आई वांट टू सेटिस्फाई दोज स्टूडेंट्स आल्सो. सो उनको एनालाइज करने के लिए
जो भी मैं एक सेट पैटर्न में अपनी रिसर्च और अपनी फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश करूँगा, दैट होल प्रोसीजर इज़ नोन एज एक्शन रिसर्च। और इसमें और अप्लाइड रिसर्च में और बाकी रिसर्च में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्शन रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दे कैन बी एप्लीकेबल टू द पर्सन हु आर कंडक्टिंग द रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर प्रॉब्लम हुई है, मैंने एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है, तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं दे आर रेलिवेंट टू मी ओनली। सो इनके बेसिस पर मैं जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकता, दैट फॉर अदर टीचर्स ऑल्सो दे आर एप्लीकेबल इन अ सेम मैनर। सो अदर टीचर्स को अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो दे हैव टू कंडक्ट देयर ओन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है, इट वॉज स्टार्टेड विद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बट नाउ इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एक्शन रिसर्च इज एप्लीकेबल इन मैनी फील्ड्स, इन बिजनेस फील्ड एंड इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। सो इट वॉज सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च। देन वी कम टू टाइप्स ऑफ रिसर्च मैथड्स। ब्रॉडली वी डिवाइड ऑल द रिसर्च मैथड्स इन टू टू कैटेगरीज, वन इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड अनदर इज क्वान्टिटेटिव रिसर्च। सो जो मेरा टॉपिक है वो क्वान्टिटेटिव रिसर्च में आता है, लेकिन उससे पहले मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी रिसर्चेज आती हैं मैं उनको एक जस्ट ब्रीफ देना चाहूँगा आपको। इन केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, वी आर डीलिंग विद क्वालिटी ऑफ इश्यूज, वी आर डीलिंग विद फीलिंग्स, वी आर डीलिंग विद आइडियाज, वी आर डीलिंग विद डिफरेंट कल्चर्स। सो दे आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसर्च विच मैथड्स विच कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। सम ऑफ देम आर एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनो मेथडोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, इवेल्युएटिव रिसर्च, केस स्टडी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। केस स्टडीज कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्योरली। और जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। छोटा सा पॉइंट है कि मैक्सिमम बुक्स के अंदर आप केस स्टडी को इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड जो कि क्वांटिटेटिव में गिवन है उसके एक पार्ट के रूप में पाएंगे, बट केस स्टडी इज अ प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। सो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, तो वहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स केस स्टडी को क्वांटिटेटिव में ले आते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। सिमिलरली इन केस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द बोथ कैन बी पॉसिबल, इट कैन ऑल्सो बी ए क्वान्टिटेटिव एज वेल एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च। सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ लेट्स कम टू क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्चेज आर बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब पहले तो मैं ये बता दूँ कि क्वान्टिटेटिव रिसर्चेज है क्या। क्वान्टिटेटिव रिसर्चेज में एक रिसर्चर जिस फील्ड में, जिस एरिया में रिसर्च करना चाहता है या जिस वेरिएबल को रिसर्च करना चाहता है वो उस वेरिएबल को मेज़र कर सकता है और उनको एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। और क्योंकि वो उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है इसलिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर भी अप्रोप्रिएटली उस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। सो दीज रिसर्चेज आर क्वांटिटेटिव रिसर्चेज। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लासिफिकेशन। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन केस ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वी कवर अप विद सर्वे रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टो रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च। देन देर इज डेवलपमेंटल रिसर्च इन विच फर्दर क्लासिफिकेशन इज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में आते हैं। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बीच में एक कंपेरिजन करना, क्योंकि इन पे बेस्ड यूजीसी नेट में कई बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक दो क्वेश्चन के मैं एग्जांपल आपको अभी देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। यू विल अगर आप प्रीवियस ईयर के
अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 4 या 5 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। वहाँ पर वो डिफरेंस आपसे थियोरेटिकली नहीं पूछा गया, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर वो डिफरेंस बनाया गया है, और वो टर्म्स के जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उनके बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इन विच केसेस एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इज़ बेटर एंड इन विच केसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ बेटर। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही क्लियर है, दैट एक्सपोज फैक्टो रिसर्च हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हम लोगों को कोई इफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया, और उस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद वी वॉन्ट टू सी द रीजन्स, पॉसिबल रीजन्स बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल जब एक लोग को बुखार हुआ, दो लोगों को बुखार हुआ, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब देखा गया कि एक साथ कई सारे लोगों को एक ही जैसी प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ रहा है, तो फिर लोगों का माथा ठनका, फिर उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की दैट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। तब कहीं जाके लोगों को पता चला दैट इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ वायरस विच इज़ स्प्रेडिंग अराउंड अस, विच इज़ अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। सो इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। सो इफेक्ट इज़ देयर एंड वी वॉन्ट टू सी, वी वॉन्ट टू जज द पॉसिबल रीजन्स बिहाइंड द इफेक्ट, देन इट इज़ एक्स क्वाजी सॉरी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। और जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो अभी हमारे पास इफेक्ट होता ही नहीं है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है और इन फ्यूचर में कोई हमें फ्यूचर में जाकर उसका फाइंडिंग्स निकालनी होती है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी आर डायरेक्शनल टूवर्ड्स फ्यूचर, एंड इन केस ऑफ एक्सपोज फैक्टर रिसर्च वी मूव आवर सेल्फ बैक टू द पास्ट, यानी कि हम लोग पास्ट में जाने की कोशिश कर सकते हैं। इफेक्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी वॉन्ट टू गो टू द पास्ट टू फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन्स और फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। एंड इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स होते हैं, और जिनको मैनिपुलेशन करके हम लोग इन फ्यूचर इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड एंड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च इज़ पास्ट ओरिएंटेड। तो ये तो बड़ा क्लियर कट सा डिफरेंस है, बट ये थ्योरेटिकल डिफरेंस आपको एमएड के एग्ज़ाम में लिखने में काम आ जाएगा, यूजीसी नेट में काम नहीं आएगा। यूजीसी नेट में क्वेश्चंस इतने ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और इतने टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं कि आपको उसको क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में डिफरेंस और सिमिलरिटी बताने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका मैं बार बार यूज़ करूँगा, तो पहले मैं आपको उनके मीनिंग क्लियर करा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनिपुलेशन। व्हाट इज़ मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन को हिंदी में, अगर इसकी हिंदी मीडियम की किताबों में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ छेड़छाड़। अब छेड़छाड़ का हर कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा, लेकिन इन केस ऑफ रिसर्च द टर्म मैनिपुलेशन मीन्स कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, उसकी एक्सटेंट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि यू आर डीलिंग विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो मैनिपुलेशन जो टर्म है इट इज़ यूज्ड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड टर्म इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण करना। अब जब हम एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की बात करते हैं तो इनके कंटेक्स्ट में कंट्रोल से हमारा मीनिंग होता है टू कंट्रोल द अदर वेरिएबल्स विच आर नॉट रेलिवेंट फॉर आर एक्सपेरिमेंट। होता क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, और इस प्रोसेस के बीच में जितने भी इंटरवीनिंग और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं इनको प्रॉपर मेथड्स के थ्रू हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो इंडिपेंड मैनिपुलेशन आपको बता दिया मैंने, कंट्रोल बता दिया, देन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आपको वो चेंजेस को मेजर करना है और उनको नोट डाउन करना है, और दैट नोटेड डाउन ऑफ चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ऑब्जर्व।
तो तीन चीज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ऑब्जर्व। इन तीनों कॉन्सेप्ट के बाद चौथा कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के कई सारे क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत ही छोटी क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, तो उसमें मैं सारे वेरिएबल्स को कवर अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सॉरी, जो ब्रॉडली जितने वेरिएबल्स की हम बात करें तो उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल वी कैन से, बिकॉज इन केस अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल के अंदर भी कई तरह के वेरिएबल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह चर है जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा जाना है, यानी कि जिस वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इफेक्ट स्टूडेंट्स के मोटिवेशन लेवल पर देखना चाहता हूँ। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक टीचिंग मेथड है, तो ये टीचिंग मेथड मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। और मोटिवेशन लेवल पे मैं इसका प्रभाव देखना चाहता हूँ, तो जो मोटिवेशन लेवल है वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। लेकिन मेरे ट्रीटमेंट देने के दौरान कई सारे और चीज़ें भी हैं जो अपना इफेक्ट डाल सकती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी, एंड दीज वेरिएबल विच अफेक्ट बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोन एज कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। तो अदर वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, एंड देर आर सम वेरिएबल विच अफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मीन्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को घटा भी सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने एनवायरनमेंट को बहुत कूल किया हुआ था, और सारी कंडीशंस को मैंने कोशिश की थी कि बच्चों के फेवरेबल हो, तो ये अदर फैक्टर्स जो हैं, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट कंडीशंस हो गई, और बाहर से कोई शोर नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छा बोर्ड यूज़ किया है, और ये सब चीज़ें ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट को पॉजिटिवली एनहेंस करें। और इसके रिवर्स साइड में देयर मे बी सम फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्सली, लाइक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कोई ऐसी न्यूज़ आ गई जिससे बच्चे बेचैन है। फॉर एग्जांपल, अभी देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की जो न्यूज़ आई है, उससे मुझे लग रहा है कि व्यूइंग पर कुछ असर पड़ा है, अदरवाइज इतने कम व्यूअर्स नहीं होते इस ग्रुप में, तो मे बी दिस मे बी द रीज़न। तो देर आर सम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऑल्सो। देन अदर वेरिएबल इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल इज एन हाइपोथेटिकल वेरिएबल विच कनेक्ट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स विच इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन तीनों वेरिएबल्स को, इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, इन तीनों वेरिएबल्स को हम लोग अदर वेरिएबल्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं, और इन इनको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसका इफेक्ट हम लोगों को देखना है, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इफेक्ट आपको देखना है स्टूडेंट्स के मोटिवेशन लेवल पर, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड जो हो गया वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसके ऊपर इफेक्ट को देखा जाता है, मीन्स द वेरिएबल अपॉन विच द इफेक्ट टू बी सीन, यानी कि विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द रिसर्चर। तो जिस वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करते हैं उसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट वेरिएबल्स बेसिकली। तो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करी। पहले हमने डिस्कस किया मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, देन वी हैव डिस्कस वट डू वी मीन बाय द टर्म कंट्रोल, देन वी हैव डिस्कस्ड वट डू वी मीन बाय द टर्म ऑब्जर्व, देन वी हैव डिस्कस्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल, एंड इन केस ऑफ अदर वेरिएबल्स वी हैव डिस्कस्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। और बहुत सारी किताबों में इन वेरिएबल्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो ट्राई टू गो फॉर अ गुड बुक ताकि आप इन वेरिएबल्स को डीपली स्टडी कर सकें। यस, सो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद नाउ लेट्स कम टू
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल, अब आपको ये सारे वेरिएबल्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्व किसे कहते हैं, कंट्रोल किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद अब आपको अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिफाइन करना है तो वेरी बहुत ही आसान हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज वॉट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द रिसर्च हैविंग थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, इट इज अ काइंड ऑफ रिसर्च मेथड इन विच वी मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वी मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड इज वी कंट्रोल द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वी ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च विच इन विच दे आर थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर टू, कंट्रोल द इंटरवीनिंग वेरिएबल। यहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल लिखा गया लेकिन हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करते हैं। एंड देन नंबर थ्री, टू ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड दीज आर द थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को एक्सप्लेन किया जाता है और UGC नेट में तो मुझे लगता है कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जस्ट गो थ्रू विद प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड लिंक वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू विद दोज क्वेश्चंस दैट हैव आस्क्ड इन UGC नेट इन एजुकेशन। सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेट्स नाउ कम टू एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। वट इज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च? एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द कॉजेज और डिटर्मिनेंट फैक्टर्स। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो भी हम लोग फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फिनोमिना अकर हो रहा है। एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने पिछले एक डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मतलब कोरोना से तो डेथ हो ही रही है लोगों की, लेकिन अदर फैक्टर्स जिनकी वजह से डेथ हो रही है उनमें एक मेजर फैक्टर निकल के आया, डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन फैक्टर्स कहाँ से आया और क्यों हम लोग उसको स्टडी करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो आउट ऑफ द वे जाके जो पीपल सुसाइड कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड इट। सो आप एक्सपोज फैक्टो रिसर्च के अंदर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी फिनोमिना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दैट फिनोमिना। क्या वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से ये इफेक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है? तो कॉन्सेप्ट एक बार समझने के बाद, जैसे ही आप एक्सपोज फैक्टो का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है और एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो दोनों ही टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स के अंदर दोनों में ही कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेज हैं। तो एक एक करके हम लोग सिमिलैरिटीज को स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग एक्सपोज फैक्टो और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में सिमिलैरिटी देखते हैं तो बड़ी क्लियर कट सिमिलैरिटी हम लोगों को समझ में आती है कि दोनों के ही अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। दोनों के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जरूर है कि एक रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन का स्टेप सबसे लास्ट में इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और एक रिसर्च मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन का स्टेप सबसे पहले है, यानी कि इन केस ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च। तो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन का स्टेप सबसे पहले है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन का जो स्टेप है वो सबसे लास्ट में, लेकिन ऑब्जर्व दोनों के अंदर किया जाता है। तो इट इज़ द ओनली सिमिलैरिटी विच इज देयर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सपोज फैक्टो रिसर्च दैट इन बोथ टाइप ऑफ रिसर्च वी ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल्दो
टाइमिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट। क्लियर हो गया होगा होपफुली आप लोगों को। और अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जो हमने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर अभी हमें डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व से शुरू करते हैं। तो इट मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल, कन्फाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो अब पास्ट में जाकर आप उनके उन फैक्टर्स का को दोबारा से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। तो हम लोग उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन फैक्टर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि उनको बढ़ाया जा सके, उनको घटाया जा सके, या उनके उनके मैनिपुलेशन करके उनके इफेक्ट को, उनके एक्सटेंट को चेंज कर सकें, या उनकी डिग्री को, उनकी उनकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकें। इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, बट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इट इज़ 100% पॉसिबल दैट वी कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी कैन कंट्रोल द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स ऑल्सो। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिसर्चर कैन कंट्रोल द इंटरवीनिंग वेरिएबल ऑल्सो। बट इन केस ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट पॉसिबल। वी कैन फाइंड आउट दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वी कैन फाइंड आउट दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, बट वी कैनॉट मैनिपुलेट दोज वेरिएबल्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कितने टाइप्स हैं और किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी से जोड़ते हैं। जो स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्लीज़ इस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि जितने भी एमएड के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये काम आएगा ही आएगा, लेकिन आई कैन बेट कि जितना मैंने आज की क्लास में आपको बताया और जो मैं बताने वाला हूँ अभी जो कमिंग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है उसमें भी इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब वो बात सुनते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की और उसको रिलेटेड पाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ, जबकि उनको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक अलग कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है। जब भी आप कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं या कोई टेस्ट प्रिपेयर करते हैं उसको स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का प्रोसीजर समझाया जाता है। तो लेकिन जब एग्ज़ाम में आपसे एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी के बारे में पूछा जाता है तो आप ये सोचते हैं कि हम लोगों ने वैलिडिटी के मेजर्स तो पढ़ लिए कि किस तरीके से वैलिडिटी को मेज़र करते हैं, वैलिडिटी क्या होती है, कौन से मेथड्स हैं, लेकिन इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं। तो बेसिकली अगर आपने इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं पढ़ी, इट मीन्स आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपने या तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाला लेक्चर मिस कर दिया है, या आप उस दिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपके सिलेबस में ही नहीं था। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट जो प्रॉपर लेबोरेटरी में किए जाते हैं, जनरली जितने भी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैथमेटिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, और प्रॉपर कंडीशंस को एक आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं और लैब इज़ मेंट फॉर दैट ओनली, और उन आर्टिफिशियल कंडीशंस में वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और देखा जाता है कि उनके जो एक अलग अलग वेरिएबल्स का क्या क्या इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। और वहाँ पर हम लोग जितने भी आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं उनको ईजिली कंट्रोल कर ले जाते हैं। लेकिन जब आप सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च करते हैं, एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपके ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट फील्ड में होते हैं। मीन्स आप क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अलग जगह आपने मान लीजिए कोई ग्रुप लिया है
और उस ग्रुप को आप पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोग क्लासरूम में कर रहे हैं या फिर किसी और ग्रुप के ऊपर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, और जहाँ आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं वहाँ पर एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का माहौल क्रिएट होता है। वहाँ पर आप इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को मैच कर सकते हैं, रेंडमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश की जाती है कि अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो कि मैचिंग कर लें या रेंडमाइज कर लें, किसी भी तरीके से उनका इफेक्ट मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। बट क्योंकि आपके पास लैब नहीं है तो और वो ह्यूमन बीइंग को लैब्स में एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं जा सकता, तो उस वजह से आप पूरी तरीके से उसको नहीं कर पाते। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, एक लैब एक्सपेरिमेंट और एक फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इनका एक जिस्ट मैंने आपको बताया, और ये क्यों बताया ये आपसे 5 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने आपको क्यों बताया। अब हम बात करते हैं लैब एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी को के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज़ इंटरनल वैलिडिटी एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार रिपीट करूँगा कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, यानी कि आप अपने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को किस हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं ये बताएगा कि आपके एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी कितनी है। अगर आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं इट मीन्स योर इंटरनल वैलिडिटी इज़ वेरी हाई, और अगर आपको उसको एक्सप्लेन कर उसको कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको पूरे तरीके से आप मिनिमाइज तो कर पा रहे हैं लेकिन 100% कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपके एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी लो। सो इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। देन वी कम टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट्स। आई रिपीट, द एक्सटर्नल वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट के जो भी परिणाम आए हैं उन परिणाम का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन आप किस लेवल तक जाकर कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पर कर पा रहे इट मीन्स आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत हाई है, और अगर आप उसको एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर पा रहे इट मीन्स आप एक सेटअप में ही उसका प्रयोग कर पाते हैं, उसका जनरलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके एक्सपेरिमेंट की लो है। तो होप कि आपको इंटरनल वैलिडिटी समझ में आ गया होगा और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी समझ में आ गया होगा। तो एक्सपेरिमेंटल, इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट और लैब एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के पीछे लॉजिक यही था कि मैं आपको उनके जो एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी है जब मैं उनको समझाऊं तो आप अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस से ये जस्टिफाई कर पाएं कि कौन सी रिसर्च के अंदर कौन सी वैलिडिटी हाई या लो होगी। तो 1 या 2 मिनट देकर सोचिएगा कि आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी क्लियर है, इंटरनल वैलिडिटी क्लियर है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन केस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट विच काइंड ऑफ वैलिडिटी इज हायर, तो आपका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1-2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा सवाल है कि इन केस ऑफ फील्ड रिसर्च विच काइंड ऑफ वैलिडिटी इज हाई। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आई विल रिपीट वन टाइम मोर। सो लेट्स सी दिस कमेंट। नमस्ते, और वो तो बहुत हो गई लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि कोई अटेंटिवली सुन भी रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ खाली देख ही रहे हैं लोग। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सवाल ये है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है या एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होगी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, तो अभी तक कमेंट बॉक्स में कुछ आया नहीं है।
तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इंटरनल वैलिडिटी क्या है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। कि इंटरनल वैलिडिटी डायरेक्टली रिलेटेड है आपके कंट्रोलिंग ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल से, यानी कि आप इंटरवीनिंग वेरिएबल को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। होपफुली क्लियर होगा सभी को। और आई एम सॉरी, यस एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होगी फील्ड एक्सपेरिमेंट में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। प्रतीक द्विवेदी जी ने जवाब दिया है, आरती शर्मा जी ने जवाब दिया है, अमना माथुर मैम ने भी जवाब दिया है। मीन्स पीपल आर लिसनिंग टू मी, इट्स रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने जवाब दिया। सो दक्षता सिंह इज सेइंग दैट इंटरनल वैलिडिटी। सो जस्ट एक बार को ब्रीफ में आपको रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज इंटरनल और व्हाट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। दैट इंटरनल वैलिडिटी डील्स विद एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, यानी कि आप इंटरवीनिंग वेरिएबल को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं ये इंटरनल वैलिडिटी को डिसाइड करेगा। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का डायरेक्ट रिलेशन है जनरलाइजेबिलिटी के साथ, मीन्स सामान्यीकरण के साथ, कि आप सामान्यीकरण कितना कर पा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट बताए थे। तो लैब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप, क्योंकि आपके पास लैब है, यू कैन कंट्रोल द क्लाइमेट, यू कैन कंट्रोल द क्वांटिटी, यू कैन कंट्रोल द एटमोसफेयर, सो यू कैन ईजीली कंट्रोल ऑल द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। मीन्स इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी हाई इन केस ऑफ लेबोरेटरी रिसर्च, एंड इन केस ऑफ फील्ड रिसर्च बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग। और क्लास में जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से स्टूडेंट्स का मोटिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और सपोज मेरा जो आंसर आया वो यही आया कि बहुत एक ट्रिमेंडसली स्टूडेंट्स इंक्रीज होता है उनका मोटिवेशन लेवल। तो इस रिजल्ट को मैं अपनी क्लास में अलग अलग जगह पर और अलग अलग अपने रिसर्च पेपर के थ्रू कई जगह पर मैं पब्लिश करा सकता हूँ, और वहाँ के भी लोग हैं, लोग इस रिजल्ट को अपनी क्लासरूम में इंक्लूड कर सकते हैं। मींस द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ माय फाइंडिंग्स इज वेरी हाई इन केस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, एंड इन केस ऑफ इंटरनल वैलिडिटी यू नीड ए लेबोरेटरी सेटअप। सो इन लेबोरेटरी रिसर्च इंटरनल वैलिडिटी इज हाई बट एक्सटर्नल वैलिडिटी इज लो। और इन केस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन केस ऑफ फील्ड रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंटरनल वैलिडिटी इज लो बट एक्सटर्नल वैलिडिटी इज हाई। अब वाई इंटरनल वैलिडिटी इज लो इन फील्ड रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंट? द रीजन इज दैट इन केस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग, वी आर डीलिंग विद सोशल सेटअप्स, और सोशल सेटअप्स और ह्यूमन बींग्स आर द फैक्टर्स जो जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे होते हैं नहीं एक्चुअली। मीन्स देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन दे विच अफेक्ट देयर बिहेवियर, एंड दिस अफेक्ट इज इंस्टेंट। कब कौन सी चीज़ किस स्टूडेंट को अफेक्ट कर जाए यू नेवर नो, यू कैन जस्ट इमेजिन, आप गेस कर सकते हैं बट यू कैन नॉट 100% एक्सप्लेन दैट दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सो इन केस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी द इंटरनल, इन केस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी लो बट एक्सटर्नल वैलिडिटी इज हाई, एंड इन केस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इन केस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इंटरनल वैलिडिटी इज वेरी हाई एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी इज लो। सो इंटरनल वैलिडिटी एक्सटर्नल वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैंने कोशिश की है आपको क्लियर करने की, और टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को भी मैंने क्लियर करी है कोशिश करने की। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, कि बहुत से स्टूडेंट्स बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दैट वट आर एक्सपेरिमेंटल, सॉरी वट इज़ ट्रू एक्सपेरिमेंट एंड वट इज़ क्वाजी एक्सपेरिमेंट। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि आप ट्रू एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे और क्वाजी एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे। सो जस्ट अ मिनट, सो इन
ट्रू एक्सपेरिमेंट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर वो मेट नहीं होती है तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्वाज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर वन कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, मीन्स इन केस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू हैव टू मेक कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, मीन्स यू मस्ट बी हैविंग कंट्रोल ग्रुप, यू मस्ट बी हैविंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एंड यू मस्ट हैव ए पर्टिकुलर डिज़ाइन दैट वट इज़ द ट्रीटमेंट दैट यू आर गोइंग टू गिव टू योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड हाउ यू विल मैच दीज टू ग्रुप्स। सो आपके पास ग्रुप्स की सेटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, मीन्स कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू इज रिसर्च मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी देयर फॉर मैनिपुलेशन। ये तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तक मैनिपुलेशन नहीं होगी तब तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होगा तब तक आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन से ही होता है। तो फर्स्ट वॉज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड सेकेंड वॉज मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रैंडम असाइनमेंट। वट इज़ दैट रैंडम असाइनमेंट? रैंडम असाइनमेंट मीन्स कि जो मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग ग्रुप्स असाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप्स में ग्रुप दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, वन इज़ बाय रैंडम असाइनमेंट एंड अनदर इज़ बाय ओन जजमेंट, जजमेंटल ग्रुप्स उसे कह सकते हैं। तो इन केस ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंट इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव मेड द ग्रुप्स बाय रैंडम असाइनमेंट्स। एक आप कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं। कंट्रोल ग्रुप जिसको आप कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, जिसके आप साथ आप मैनिपुलेशन नहीं करते, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने देते हैं, और जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आप ट्रीटमेंट देते हैं सॉरी। तो जो आपने ग्रुप बनाए हैं उन ग्रुप्स में जितने भी आपने मेंबर्स एलोकेट किए हैं दैट मेंबर्स शुड बी एलोकेटेड रैंडमली। तो अगर आप उनको रैंडमली एलोकेट करते हैं, यानी कि रैंडम असाइनमेंट होती है अलॉन्ग विद कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप एक ट्रू एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं। और अगर ये जो रैंडम असाइनमेंट वाली जो कंडीशन है ये ब्रीच होती है देन ऑटोमेटिकली दिस एक्सपेरिमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो एक नटशेल में बताने की कोशिश की है और क्वाजी एक्सपेरिमेंट क्या होती है और ट्रू एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, और इसके अलावा एक सेपरेट क्लास हम लोग रख सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस itself is a very big topic. So I have not touched that experimental design, but I have explained what is very useful for MEd and PhD scholars and for those students who are preparing for UGC NET examination. क्योंकि NET UGC NET examination के paper 1 और paper 2 में दोनों में ही compulsorily research methodology as a unit given है, तो दोनों के अंदर ही आपको रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर वन में 6 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर टू में 6 to 12 क्वेश्चंस के अराउंड होते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुना है, पढ़ा है, तो होपफुली कि उनको समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जितना हम लोग जैसे लिख देते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता। देर आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड देर आर सम टेक्निकल टर्म्स दैट वी मस्ट हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर वी आर गोइंग फॉर एक्सपेरिमेंट। सो इन केस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज मोस्टली वी आर गोइंग फॉर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, बट येस वी कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑल्सो। सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आर वेरी वेरी सेपरेट थिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड सेपरेट लेक्चर should be there for research design also, but so let us recap whatever we have explained in today's class. So first we have discussed about research sense. What is basically research sense? It is a term which myself have developed for explaining the students, because common sense is common thing, sabhi bolte hain, but I have developed a term that is research sense. So I am working on it. What is basically research sense and what are the factors which affect the research sense? Or common शब्दों में बोलें तो research sense is nothing but the common sense of research. Or
कॉमन सेंस ऑफ रिसर्च आपका लॉजिक से डेवलप होता है, आपको फिनोमिना जो भी आपके आसपास होते हैं उनके क्वेश्चंस करने की एबिलिटी और उन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट्स लगाने की जो एबिलिटी है, वहाँ से आपका रिसर्च सेंस डेवलप होता है। तो ये अगर रिसर्च सेंस आपके अंदर है तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। थ्योरी रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और प्रैक्टिकली तो आप अपनी चीज़ों को जस्टिफाई कर ही जाएंगे। सेकेंड थिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। सो बहुत से स्टूडेंट से पूछा जाए व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो बताते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग, बट दे आर टेलिंग व्हाट एवर दे हैव स्टडीड इन देयर बुक। सो इन अनदर स्टूडेंट इज सेइंग दैट टाइप्स ऑफ रिसर्च इज फंडामेंटल अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। Another student is saying that types of research is experimental research and non-experimental research. So there must be some criteria जिसके basis पर आप इनको differentiate कर सकें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वो study करने की कोशिश करी और उसको difference देखा that types of research basically deals with fundamental, applied and action research and we have taken a just brief of that also। और उसके बाद फिर हम लोगों ने types of research methods और research techniques की बात करी, जहाँ पर हम लोग qualitative और quantitative की बात करते हैं। और उसमें फिर हम लोगों ने क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हैं उनका एक जस्ट ब्रीफ दिया था कि दीज आर द मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देन वी हैव स्टेटेड द वेरियस क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इन क्वांटिटेटिव मेथड्स द क्लासिफिकेशन वाज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज वी हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन डिटेल, then concept of ex post facto research, then we have discussed the similarities and difference between experimental research and ex post facto research, and after explaining the difference and similarities of experimental and ex post facto research, we have gone through with the types of research, that is laboratory, the types of experiment, laboratory experiment and field experiment, and for explaining laboratory experiment and field experiment we further have discussed internal validity and external validity, and on the basis of internal and external validity we can now very well differentiate between laboratory research and laboratory experiment and field experiment. So this was all about for today's. So quasi experimental research basically अभी मैंने आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताया था कि दे आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो आउट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट वॉज नॉट देयर। यानी कि जब आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते समय आप क्या करते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को विदाउट एनी रैंडम असाइनमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इफ देयर इज इफ रैंडम असाइनमेंट इज नॉट देयर देन द रिसर्च विल बी ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एंड येस क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की भी फाइंडिंग्स वैलिड होती हैं, और बिकॉज देर आर सम केसेस इन विच यू कैन नॉट गो फॉर रैंडम असाइनमेंट, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो असाइनमेंट है आपको उसी की तरफ जाना पड़ेगा। सो ये सो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन एक्स पोस्ट फैक्टो एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोगों के पास अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया कुछ भी, मीन्स अगर हम जैसे अभी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसके इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में तो आप डायरेक्ट आपने एक एरिया फाइंड आउट किया, कोई जगह आपने बनाए, कोई आपने डॉक्यूमेंट लिया है और जिसको आप जिसको डिटेल में आप जाना चाहते हैं, पास्ट में आप जाना चाहते हैं, तो मींस ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मिसिंग, यू हैव टू जस्ट गो फॉर फैक्टर्स। आपका टॉपिक भी पास्ट में, और यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी पास्ट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पास्ट में, बट इन केस ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च डिपेंडेंट वेरिएबल आपका प्रेजेंट में, यानी कि यू आर ऑब्जर्विंग द फिनोमिना एंड सडनली यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट व्हाई दिस अकर एंड यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस व्हाईज, सो यू आर गोइंग फॉर क्वाजी एक्सपेरिमेंट। होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और कुछ बुक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिएगा, और अगर नेक्स्ट सेशन मुझे मिलेगा तो आई विल ट्राई टू कवर
मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स विच इज़ माई फील्ड बेसिकली. थैंक यू सो मच एंड आई अगेन वेरी थैंकफुल टू सोमू सिंह सर टू प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू आई मीन राइट नाउ आई एम इन दिल्ली बट आई एम वर्किंग इन जौनपुर. सो विद दिस प्लेटफॉर्म आई एम सर्विंग टू माई स्टूडेंट ऑल्सो. सो होपफुली दे आर कवरिंग दिस टॉपिक्स. सो थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू सोमू सिंह सर. थैंक यू सो मच.